Good morning students, in this video we are continuing our chapter of moral science of class 7. So we learn in previous videos about a discipline and how the discipline can enter in our life, who teach them, who is the first teacher of our life, who teaches a discipline, and not only the human but also the nature also follow the nature, and universe also follow the discipline. So now we come to read the fourth paragraph. At home and at a school we are trained to be a discipline. हमें घरों पे और स्कूलों में सिखाया जाता है कि हमें डिसिप्लिन में कैसे रहना है. वी हैव टू डू आवर वर्क एट होम. वी आर आस्क्ड टू कीप आवर थिंग्स इन ऑर्डर. वी आर ऑल्सो आस्क टू बी लिटिल जॉब्स लाइक लुकिंग आफ्टर द यंगर चिल्ड्रेन और बाइंग थिंग्स फ्रॉम और नियर शॉप्स. सी हमें घरों पे क्या सिखाया जाता है डिसिप्लिन से रिलेटेड, कि हमें घर में सारी चीज़ें सही जगह पे रखनी चाहिए, साथ ही साथ हमें घर में सफाई रखनी चाहिए और घर के चीज़ों पे भी नज़र रखनी चाहिए, और कुछ घर के कामों में लोगों का हाथ बटाना चाहिए. जैसे हमें हमारे स्मॉल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं उन पर ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ नियर बाय कोई मार्केट्स, पास के मार्केट्स वगैरह होंगे तो वहाँ से ज़रूरत की चीज़ें लाकर घर में रखना. तो ये सारी चीज़ें हमें डिसिप्लिन और मैनर्स में सिखाई जाती हैं. We receive the types of training at home. At school we have to keep quiet in class. We have to do our work by themselves. We must not move about in a class. We must pay attention and do our daily homework. जिस तरीके से हमें घरों पर सिखाया जाता है different type of task के through कि हमें discipline कैसे follow करना और discipline में कैसे रहना, उसी way में in the same way स्कूलों में भी हमें बहुत से disciplines सिखाए जाते हैं. जैसे class में quietly बैठे रहना, फिर अपना वर्क सेल्फ वर्क करना, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, किसी को वर्क में इंटरफेयर नहीं करना, क्लास में रैंडमली इधर उधर मूव नहीं करना, अपने प्लेस पर प्रॉपरली स्ट्रेट तरीके से बैठे रहना, पूरा अटेंशन क्लास में देना, और भी बहुत से डिफरेंस. वी मस्ट अटेंड क्लासेस एवरी डे एंड बी अ पंचुअल. हमें जैसे हर दिन क्लास को अटेंड करना है और रेगुलर पंचुअल रहना है. वी डू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज वी आर अफेयर्ड ऑफ पनिशमेंट. इट इज़ वॉट वी कॉल एक्सटर्नली इम्पोजल डिसिप्लिन. वी डू इट बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स. सी तो ये सारे डिसिप्लिन्स हम घरों में और स्कूलों में फॉलो करते हैं क्योंकि हमें अंदर से एक डर बना रहता है घरों पर पेरेंट्स का और स्कूलों में टीचर्स का. तो हम ये डिसिप्लिन फॉलो करते हैं डर की वजह से, पनिशमेंट की फियर की वजह से. तो ऐसे डिसिप्लिन्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये डिसिप्लिन आए होते हैं. हमारा आत्म बोलते हैं ना, इनर पीस से हम इस डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं. वी ऑफ्टन हियर अबाउट द डिसिप्लिन इन द आर्म्ड फोर्स. दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड एनी इन डिसिप्लिन्स इज डेप्ट विथ स्ट्रिक्टनेस. दिस इज कॉल्ड द मिलिट्री डिसिप्लिन. सी एट द सेम टाइम हमने ऐसे ही डिसिप्लिन्स हमें आर्मी फोर्स वगैरह में भी देखी जाती है कि वो लोग कितने स्ट्रिक्टली होते हैं और कितने डिसिप्लिन में होते हैं उन, क्योंकि उन्हें डर होता है उनके ऊपर जो हेड होते हैं उनसे जरा सी भी गलती होती है और इनडिसिप्लिन फॉलो होता है तो तुरंत उन्हें स्ट्रिक्टली पनिशमेंट दी जाती है. इस वजह से वो हमेशा क्या रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं और डिसिप्लिन फॉलो करते हैं.
All such parties practices are good and necessary because they train people to be a discipline. ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में जो होती हैं ये बहुत अच्छी हैं और ज़रूरी भी हैं, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हमें हमारे लाइफ में डिसिप्लिन आता है. बट एक्चुअल डिसिप्लिन इज सेल्फ डिसिप्लिन. ठीक है, जो हमें लोगों द्वारा सिखाया जाता है और लोग जो हमसे कराते हैं वो एक डिसिप्लिन हमारे अंदर आ जाता है. बट एक्चुअल डिसिप्लिन यहाँ पे बताया गया है क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन. मतलब किसी के डर की वजह से नहीं, खुद अपने अंतर आवाज़ की अपने ना खुद अपने सेल्फली आप ये समझ सको, जान सको कि डिसिप्लिन में रहना क्यों ज़रूरी है और उसके फ़ायदे क्या हैं. दैट इज़ वन डज द राइट थिंग्स बिकॉज वन नो इट इज़ नेसेसरी. सो सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें सही चीज़ करनी है और हम सही चीज़ करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये सही है तो हमें सही करना है. तो ये हमारा सेल्फ डिसिप्लिन होता है. इट कम फ्रॉम द इनसाइड एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनी फियर और पनिशमेंट. डूइंग द राइट थिंग्स विथ नो वन वॉचिंग और सुपरवाइजिंग एंड विथ नो प्रोमिस ऑफ रिवॉर्ड और थ्रेड ऑफ पनिशमेंट. सेल्फ डिसिप्लिन इट इज ट्रू डिसिप्लिन. सी, तो ये जो है डिसिप्लिन, जब हम खुद से राइट डिसीजन लेने लगते हैं और किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं और किसी से डरते नहीं हैं किसी तरह के पनिशमेंट के लिए, या फिर हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है किसी चीज़ का, किसी रिवॉर्ड का या फिर किसी से थ्रेड का, तो उस डिसिप्लिन को क्या कहा जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन कहा जाता है. क्योंकि हम खुद अच्छे बनना चाहते हैं, हम अच्छी आदतें सीखते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमें खुद सही और गलत की फ़र्क हो जाती है, तो ऐसे डिसिप्लिन को क्या कहा जाता है, ट्रू डिसिप्लिन कहा जाता है. सेल्फ डिसिप्लिन इज़ व्हाट वी शुड डेवलप. सेल्फ डिसिप्लिन को यहाँ कहा गया है कि ये ऐसी चीज़ है जो हमें डेवलप करनी है अपने अंदर. क्या है ये? अ पर्सन विद सेल्फ डिसिप्लिन विल हैव ऑल अदर क्वालिटीज़ एज ही विल हैव सेल्फ कंट्रोल. जो पर्सन्स होते हैं जिनमें सेल्फ डिसिप्लिन होता है उनमें सारी क्वालिटीज़ होती हैं और उसी के बेस पे वो अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल ला पाते हैं, जिसके थ्रू अगर आपके अंदर आपका सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप अच्छी तरीके से डिसिप्लिन में रह सकते हो और आपसे कोई गलत काम नहीं होगा, आप राइट ही करोगे. He will be the control of all the his emotions as he will be master of himself. तब आपको सारी आपकी भावनाओं पे, इमोशंस पे क्या होता है, कंट्रोल होता है और आप डिसिप्लिन्स के मास्टर्स बन जाते हो, परफेक्ट बन जाते हो, डिसिप्लिन बॉय या गर्ल बन जाते हो. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अवर सोसाइटी टूडे are due to the lack of self-discipline in a people. A lot of accidents take place at the level crossing because each one want to before the other. At traffic signal one can notice a lot of quarrels and even get themselves into the fight. People push down children and women while boarding a bus. Unnecessarily quarrel take place there and unexpectedly even employee has to be supervised. People without self discipline not only causes problem to other but also to themselves. See, लेकिन आजकल का जैसा आजकल के ज़माने में हम जैसे देख रहे हैं कि लोगों में सेल्फ डिसिप्लिन बहुत कम होता जा रहा है, लोगों में डिसिप्लिन की भावनाएं कम होती जा रही हैं, वो डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं फॉलो कर रही, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. लोग जैसे हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया कि रोड क्रॉसिंग के टाइम लोग एक दूसरे को पुश कर देते हैं, धक्का मार देते हैं,
गर्ल्स एंड वुमेंस को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, बस में लोग चढ़ने और उतरने के लिए इतना धक्काबाजी वगैरह करने लगते हैं और अननेसेसरी तौर पे लोग बिहेव करते हैं और एक दूसरे को रिस्पेक्ट और किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन नहीं शो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके वो सिर्फ ना दूसरों को तकलीफ़ देते हैं बल्कि एट द सेम टाइम पर वो खुद के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो बाय रीडिंग दिस lesson we know the discipline is very important for every person, that's why we have to follow the discipline in our life.